हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिरिराज किचन। आज हम बनाने वाले हैं टाइप्स ऑफ चॉकलेट, तो चलिए बनाते हैं। इस चॉकलेट के लिए हमें डार्क और मिल्क चॉकलेट लगेगी। हम पहले डार्क और मिल्क चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करेंगे। पहले हम डार्क चॉकलेट को मेल्ट करेंगे और दूसरे बाउल में हम मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। ये देखिए, ये मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे। पहले हम मिल्क चॉकलेट डालेंगे। आपको इसे थोड़ा ही भरना है। अब हम इसमें चेरी डालेंगे। चेरी के बाद हम इसमें डार्क चॉकलेट डालेंगे और इसे हम टैप कर लेंगे। अब आपको ऐसे ही बाकी के मोल्ड भी भरने हैं। ये देखिए, भरने के बाद आपको इसे टैप कर लेना है और इसे 15 मिनट फ्रिज में रख देना है। अब 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है हमारी चॉकलेट, डबल लेयर वाली। आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए हमारी चॉकलेट रेडी है। इस चॉकलेट के लिए पहले हम मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करेंगे और मिल्क चॉकलेट में ही हम डार्क चॉकलेट ऐड करेंगे और इसे हम मेल्ट करेंगे। ये देखिए, ये मेल्ट हो चुका है। ये देखिए, ये हमारे चॉकलेट का मोल्ड है। पहले हम इसमें ये कटे हुए काजू बादाम डाल देंगे। अब हम इसमें ये चॉकलेट डालेंगे। आपको इसे पूरा भरना है। ये देखिए, हमने भर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से टैप कर लेंगे और इसे आपको 15 मिनट फ्रिज में रखना है। 15 मिनट बाद देखिए कितनी अच्छी दिख रही है हमारी चॉकलेट। ये देखिए, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा ये भी चॉकलेट। हमारी ये चॉकलेट रेडी है। चॉकलेट के लिए हमें पोलो मिंट की गोलियां लगेंगी और इसे हम अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। अब हम एक बाउल में डार्क और मिल्क चॉकलेट डालेंगे और इसे हम मेल्ट कर लेंगे। अब हम इसमें ये कुटी हुई मिंट की गोलियां डालेंगे। ये देखिए, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये हो गया है। अब हम इसे पूरा मोल्ड में भरेंगे। आपको इसे पूरा भरना है। आपको ऐसे ही पूरे मोल्ड भर देने हैं और इसे आपको 15 मिनट फ्रिज में रखना है। अब हम इसे अच्छी तरह से टैप कर लेंगे। ये देखिए, मैंने फ्रिज में रख दिया था। 15 मिनट हो गए हैं। कितनी अच्छी चॉकलेट बनी है हमारी। आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। आप चाहे तो व्हाइट चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको पार्ट टू का वीडियो सेंड करने वाला हूँ जो पूरे व्हाइट चॉकलेट में आने वाला है, आप जरूर देख लेना। ये देखिए हमारे तीन टाइप्स चॉकलेट बन गए हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा ना हमारे चॉकलेट कितने यम्मी और टेस्टी लग रहे थे, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये खाने में बहुत अच्छे होते हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय फ्रेंड्स।